डे भी है कि रेशमा मैडम का जन्मदिन भी है, वो पूरे इस मेडिकल कैंप के बारे में, जन्मदिन के बारे में बताएंगे विस्तार से। देखिए अक्टूबर 1st एंड अक्टूबर 2nd बहुत ही हिंदुस्तान के लिए लक्की दिन है कि अक्टूबर 1st को महान नारी, महान डॉक्टर डॉक्टर रेशमा ढिल्लन पाई का इस जमीन पे आगमन हुआ, और जिसके चलते आज इंडियन हिस्ट्री में आप लोगों को मालूम होगा कि जो औरतें बाज होने के कारण से बहुत बड़े दुख से अपने आप को जीवन व्यतीत कर रही थी, उनके जिंदगी में एक चमत्कार के रूप में डॉक्टर रेशमा ढिल्लन पाई का अवतार हुआ और उनके दुख दर्द को दूर करने में एक बहुत बड़ा अवतार के रूप में इस जमीन पे आज से कुछ साल पहले यह हुआ। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी, जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तो आज वो 1 अक्टूबर इस महान हस्ती की जन्म हुआ, और जिसके खुशी में हम लोगों ने कोशिश किया कि जो औरतें बाद में पता चलता है कि वो गर्भधारण नहीं कर सकती है एंड गायनिक इशू को लेकर के बहुत तकलीफ में रहती है, उस चीज को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने यूथ लेडीज को लेकर के हम लोगों ने प्लानिंग किया कि यूथ में ही क्यों नहीं उनके समस्या को खत्म करके और उनके जिंदगी को खुशहाल जिंदगी, खुशहाल एक नारी के रूप में उनको जीवन दे सकें। इसलिए आज का दिन अक्सर आप लोग देखते हैं कि मेडिकल कैंप कहीं ना कहीं स्लम में रखा जाता है, अभी तक जितने बड़े से बड़े मेडिकल कैंप स्लम में रखा गया, लेकिन इस तरह के यूथ वहाँ पहुँचने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं उनके बीच जा करके इन महिलाओं के लिए हम लोग एक आज इस बर्थडे ओकेजन पे, स्वस्थ जिंदगी के ओकेजन पे हम लोग ये चीज़ शुरुआत एक हम वुमेन्स के यूथ वुमेन के हम एरिया से शुरू करें, तो SNDT जैसा बेस्ट वेन्यू और कहीं संभव नहीं है जहाँ के एक साथ में इतने सारे बल्क में पढ़ने वाले स्टूडेंट। देखिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपने आप में अच्छे पढ़ते हैं क्योंकि वो उनको इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के लिए होता है, गायनिक जो फिजिक है, जो बॉडी के बहुत सारे मेडिकल इश्यूज है उसके बारे में उनको मालूम नहीं क्योंकि क्या पढ़ेंगे इस एज में, उनके जो सिलेबस होते हैं उस पर फोकस करके कि मार्क्स उस पर लाना पड़ता है, उसके चलते उनको जॉब मिलने वाले हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होने कारण से उनके स्टडी में काफ़ी तकलीफ आती है, उनके जीवनचर्या में, उनके लाइफ मैरिज के बाद बिफोर मैरिज जो इतने सारे कंप्लेंट्स होते हैं उनको सेटल होने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो वो चीज़ें हम दूर कर सकें जिसके लिए हम इस महान हमारी दोस्त डॉक्टर रेशमा ढिल्लन पाई को हम लोगों ने बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने SNDT यूनिवर्सिटी के साथ शुरू किया, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चों को हम खुशहाल करके उनके जीवन खुशहाल जिंदगी देने में ही करें। बाकी हमारे डॉक्टर रेशमा ढिल्लन पाई बताएंगे। रेशमा जी, आप कैसे देखते हैं इस सेलिब्रेशन को, जैसे अभी 40 साल पढ़ा आपके बारे में, लोग तरह तरह का बर्थडे मनाते हैं लेकिन आपने अलग बर्थडे मनाने का एक कोशिश किया, और कैसे ये जहन में आया कि आप किस प्रकार का बर्थडे भी मनाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इस जन्मदिन को? बहुत बर्थडे हर एक जन चाहता है कि सेलिब्रेट करें, ज़्यादा करके तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाओ, ये तो चलता ही रहता है, मगर आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन लाइफ ऐसा लगता है कि जो हमारा बर्थडे का जो दिन है ये सेलिब्रेशन दूसरों के साथ शेयर किया जाए, कुछ उसका मीनिंग रहे लाइफ में। सर्टन पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना कुछ मिला है लाइफ में, और अगर हम उसी को लेके बैठे रहें तो उसमें मज़ा नहीं है। अगर जो हमें मिला है अगर हम शेयर कर सकते हैं किसी तरीके से, तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल और मीनिंगफुल। तो मैं काफ़ी गायनोकोलॉजिस्ट तो हूँ, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मगर मेरी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है गायनोकोलॉजी की, हमारी गायनेक फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसमें 35,000 गायनोकोलॉजिस्ट हैं पूरे इंडिया के, उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, IVF सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, एंडोस्कोपी सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट, और इन सब रोल्स ने मुझे इतना सिखाया है कि जब भी हम पूरी कंट्री में घूमते हैं तो इतने लोग ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं है, जो कि हम लोग ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि अरे सब कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मगर लाखों लोग ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं है,
या तो पैसे नहीं है, या तो टाइम नहीं है, या तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो वो मेरा एक मिशन ही रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स के लोगों के पास जाके उनको हेल्थ कैंप्स करो, उनको एजुकेशन दो, नॉलेज दो। तो लास्ट ईयर भी जब मैं प्रेसिडेंट थी गायनेक फेडरेशन की, तो हमने नारी स्वास्थ्य पहल करके 100 कैंप्स किए थे पूरे इंडिया में। मोर देन 25,000 लेडीज को हमने चेकअप्स किए थे और स्कूल्स में गए थे। हमने एक स्पेशल प्रोग्राम स्कूल्स के लिए किया था, तो पूरी कंट्री में हम लोगों ने हज़ारों स्कूल्स में जाके उनके लेवल पे, बच्चों के लेवल पे बात करके, समझा के, एक्सप्लेन करके कि अभी से आप आपका हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो आगे जाके आप यंग हेल्दी वुमेन बनेंगे। इसके बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र जी, वह हमारे बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं, और उनका जो लेवल है ये ऑर्गेनाइज करने का, फ्री कैंप्स, मेडिसिन देना लोगों को, उनकी देखभाल करना, गरीब से गरीब लोगों के पास जाके हेल्प करना, मुझे लगा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि उनके साथ ये साल काम करके हम लोग ये फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी हमें आज मिला है कि SNDT जैसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, गर्ल्स की यूनिवर्सिटी, लेडीज़ यूनिवर्सिटी में हमें डॉक्टर संजय ने अपॉर्चुनिटी दिया है कि आके हम उनके साथ बात करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनको थोड़ी सी हेल्थ एजुकेशन दें और उनका जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है मुझे कि मैं आज के दिन ये कर सकें और आई थिंक ये मेरा सबसे मेमोरेबल बर्थडे रहेगा कि कुछ तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट किया है वुमेंस हेल्थ की तरफ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सोशल बर्थडे इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट बर्थडे भी होगा शाम को। मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ, फैमिली और फ्रेंड्स बहुत हैं, बहुत प्यार मिलता है सबसे, तो सेलिब्रेशन तो ज़रूर प्लान्ड है। और थोड़ा फिल्मी फैमिली भी है तो सबको साथ लेकर के सेलिब्रेशन तो शाम को ज़रूर करेंगे, मगर शाम की सेलिब्रेशन और ज़्यादा इन्जॉय हम लोग करेंगे अगर दिन में हमने कुछ अच्छा काम दूसरों के लिए किया। आप लोगों ने देखा कि इस साल बारिश के चलते तमाम तरह की कंप्लेंट, वाटर बॉर्न डिजीज के साथ साथ तमाम तरह की डिजीज आज क्रिएट हुए हैं। इस साल कुछ बारिश कुछ ज्यादा हुई जिसके चलते तमाम तरह के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। इस चीज को देखते हुए हमने भारत सरकार के तमाम ऐसे मंत्रियों से मुलाकात हुई हमारी और सब लोगों ने अपेक्षा जाहिर की कि जहां फ्लडेड एरिया है वहां पे एक बहुत बड़े रूप में, जैसे कि हमने करते आए हैं कि लाख लाख लोगों का एक दिन में हेल्थ चेकअप, फ्री मेडिसिन, फ्री एग्जामिनेशन जो हमारी टीम ने किया, उसी तरह अभी हम लोग 17 नवम्बर को हमारे महाराष्ट्र के एक तरह से बहुत दिग्गज शिवसेना के एक तरह से कर्णधार बाला साहब ठाकरे जी रहे हैं, उनके पुण्यतिथि पर 93,000 पेशेंट एक दिन में हम देखने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन हम बांटेंगे और हर तरह की चेकअप फ्री रहेंगे और तकरीबन 50,000 से 55,000 लोगों को स्पेक्टिकल एक दिन में फ्री देने का हमने महात्मा गांधी BDD चौल वर्ली में रखने का हमने निर्णय किया है, जो कि उसकी तैयारी चल रही है। साथ में मंडला में हम 5 अक्टूबर को हमें रखने जा रहे थे, लेकिन वहाँ नर्मदा नदी के टूट जाने की वजह से पानी पूरी भरा पड़ा हुआ है, तो कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको थोड़ा सा हम पोस्टपोन करके आगे ही करते हैं, तो उसको हम दिसंबर में ले गए हैं। साथ साथ हम बिहार में 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर हम बिहार के बक्सर में हम 2 लाख लोगों को हम भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो अपने वेस्ट बंगाल के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका हम लोग बर्थडे 11 जनवरी को हम लोग ममता बनर्जी का हम बर्थडे उनके वेस्ट बंगाल में हम करने जा रहे हैं। के साथ साथ ऐसे तमाम वैसे इस साल सीरीज है कि ये तो पूरे लाइंड अप है और बाकी अभी सब ऑन प्लान है और मैं चाहूँगा कि ये सारे कैंप हमारे सक्सेस रहें और हमारी टीम पूरा डेडिकेशन के साथ स्वस्थ जिंदगी की एक कदम आगे बढ़े और हम भारत को स्वस्थ बनाने में हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब जाएंगे। जल्दियों पर मैडम के एंटायर
सबसे पहले मैं हमारी कलीग डॉक्टर रेशमा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, और डॉक्टर पवार साहब जो प्रिंसिपल हैं एसएनडीटी कॉलेज के, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ आकर हमारी बेटी बहनें भांजी बेटी जी इनका स्वास्थ्य अच्छा चेकअप करके उनको स्वस्थ पूर्ण जीवन देने के लिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, मैडम ने अपने लेक्चर में इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया कि बच्चियों को बहुत सी चीज़ें बतानी होती, दैट इज़ कॉल्ड एज हेल्थ अवेयरनेस, कि स्वस्थ रहना, लोगों को लगता है बीमारी नहीं हो तो बहुत स्वस्थ है, तो हमने बताया कि बीमारी नहीं होते हुए भी अपनी स्वास्थ्य की परिकल्पना समझ के, अपनी मन की भीतर की भावना की, अपने हिस्से पुर्जों की, सभी वातावरण की स्वच्छता और सुंदरता और उसकी एक स्वस्थ भावना का प्रचार का प्रसार करने के लिए, जैसे मैडम ने एक हमारे चिकित्सा क्षेत्र की तज्ञ होने के बावजूद उसके अलग हट के, दैट इज कॉल्ड एज बियॉन्ड द मेडिकल प्रोफेशन, हमारे वैद्यकीय चिकित्सा क्षेत्र के बाहर जाके हम जो सोशल काम करते हैं, ये समाज को जागृत करके यहाँ जो आज के एक काम में हमारे ये जो पढ़ने वाली बेटियाँ हैं हमारी, ये आगे नागरिक सुदृढ़ नागरिक बनके हमारे एक देश के सशक्त अच्छे इंसान बने, इसके लिए उनका मन स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहना ये हमारा धर्म है, उसी के लिए आर के चेवेट्स ये हमारा एक नारा है कि स्वच्छ जिंदगी का एक ही नारा, स्वच्छ हो भारत हमारा, सुंदर हो भारत हमारा, स्वच्छ स्वस्थ और स्वास्थ्यपूर्ण भारत हो हमारा, इसीलिए हम जुड़े हैं। हमारे ज्ञान का तजुर्बे किरण देसाई पहले तो मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं सब बताना चाहूँगा, बट सब तो उन्होंने बता दिया है। डॉक्टर रेशमा अपने फील्ड में बहुत ही माहिर हैं, जाने उनके जैसे कोई है नहीं, और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, एंड इट्स माय प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड हियर एंड बी हियर ऑन दिस ओकेजन, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम एंड विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सेम थिंग, रेशमा मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जन्मदिन पर इस तरह का काम होता रहे जिससे समाज का एक भला होता रहे, परोपकार का काम आप करती रहे। दूसरे हमारे डॉक्टर साहब धर्मेंद्र कुमार, उस हीरो धर्मेंद्र के छोटे भाई हैं ये, उसी तरह से सब गुण इनके पास है, और इनके हर प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, कोई प्रोग्राम इनका छूटे नहीं। जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। तो पहला सुख जो है निरोगी काया, उसको पूरे देश में कोने कोने में बांटने का काम, सबको स्वस्थ रखने का काम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी कर रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह काम करते रहिए ताकि पूरा समाज स्वस्थ रहे, और परोपकार का काम करते रहिए। धर्मेंद्र नाम पड़ा है, धर्म के काम में लगे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना, आप ऐसे काम करते रहिए। आपके सभी टीम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ कि आप सब इस धर्म के काम में सहयोग दे रहे हैं, और ये और आगे बढ़ता रहे, पूरा देश जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पूरा देश निरोगी रहे, वह काम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी के द्वारा होता रहे, ये मेरा शुभकामना है, और आगे और चलता रहे कारवां, इसके लिए भी शुभकामना है। और मैं भी कोशिश करता रहूँ इनके साथ जुड़ करके, इनका भाई इनका सहयोगी बन करके इनका साथ देता रहूँ, ये भी मैं अपनी तरफ से। मेरा लड़का राइफल शूटिंग में विश्व का प्रिंसिपल जज बना है, 2020 के ओलंपिक टोक्यो में होगा उसका प्रिंसिपल एम्पायर बना है, अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और 5 करोड़ का गिफ्ट उसको चेक भारत सरकार ने दिया। तो वो सब डॉक्टर साहब जैसे धर्म के काम करते हैं, उसी में जाते आते लोगों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है, हम कुछ नहीं बन सके, लड़के बन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत
धन्यवाद कि आप लोगों का शुभकामना बनी रहे और ये सब होता रहे। धन्यवाद। रेशमा जी का जन्मदिन है, उसके अवसर पर आप आए हो और खास करके इस जन्मदिन का एक खासियत है जो आपको बता दूं कि आपके एचआईवी रिसर्च सेंटर की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाया गया है इनके जन्मदिन पर। कितनी सराहनीय बात है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जन्मदिन पर? पहले तो नाम के लिए सबसे बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और उसके बाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी को बधाई। वो इस तरह के इवेंट्स करते रहते हैं हमेशा और किसी के बर्थडे पे फ्लावर देना, केक काटना या फैमिली मेम्बर मिलना तो मतलब रोज ही होता है, बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया जो उन्होंने अपनाया है। और मतलब जितनी प्रशंसा करें काम है कि बच्चों को मदद मिलती है, मेडिकल हेल्प मिलती है, व्हाटएवर लोगों को फ्री इलाज होता है। और फिर जब मैम डॉक्टर हैं इतनी बड़ी और उनके लिए अगर इस तरह हम अगर सेलिब्रेट करें बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब इस तरह के इवेंट्स करते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ और हमेशा रहूँगी। और इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे पूनम सागर जी, अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है इनकी और आपके जन्मदिन पर आए हैं। वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी टू सी हर, क्योंकि उनके साथ एक कॉमन फैक्टर मेरा है। मेरी भी बहन का नाम है पूनम, पूनम धिलन, एंड वो भी फिल्म में रही है। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है बहुत सालों से कि फिल्म में जो लोग काम करते हैं या मूवीज के साथ जुड़े हैं उनको बहुत इन्फ्लुएंस होता है, उनके पास बहुत पावर होती है, क्योंकि लोगों के साथ उनका बहुत कनेक्शन होता है, मीडिया के साथ उनका बहुत कनेक्शन होता है। और जब वो लोग कुछ एक मैसेज देना चाहें, पॉजिटिव मैसेज देना चाहें, तो वो काफ़ी दूर तक फैलता है उनका मैसेज सेलिब्रिटीज़ के द्वारा। सो आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सेलिब्रिटी कि अपना वो स्टेटस यूज करें और कुछ उसके साथ अच्छा काम कर लें। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट पूनम जी इज़ गोइंग टुडे, कि आए हैं यहाँ और यंग गर्ल्स को इंकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए और निग्लेक्ट मत करिए अपने हेल्थ को। चाहे आप यंग हैं, आज से आप हेल्थ संभालेंगे तो आगे जाके आपको बहुत ही आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी। सो थैंक यू सो मच, रियली वुड लाइक टू बी हियर, थैंक यू सो मच। पूनम जब हमारी आयरन लेडी है and always, अगर किसी के साथ अगर लोहा स्टील आयरन अगर हो तो मोर एनर्जेटिक ताकतवर, तो अगर हमारे पास अगर इस तरह की अगर फ्रेंड्स हो, इस तरह कमेटी मेंबर हो, तो यू फील कि कितनी ताकत मैं महसूस कर सकता हूँ और कितना एनर्जेटिक रूप से मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि हो रहा है और फ्यूचर में होते रहेगा और वो भी आना है। तो हमेशा मतलब हमारे साथ रहती है और हर चाहे मल्लाड का मेडिकल कैंप हो या हम लोगों ने जो यहाँ चंद्रपुर में किया था, तो हम लोगों ने बबुल के झाड़ के नीचे हम लोगों ने तकरीबन 10 से ज़्यादा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि लोगों ने कवर किया था और वो भी एक यूनिक किया था। तो हर मित्र की सोशल एक्टिविटी में पूनम जहाँ भी रहती हैं आप ये समय ये करके आते हैं और कुछ उनको बहुत प्यार देती हैं, उनके मनोकामना को साथ करती हैं, बढ़ाती हैं। चाहूँ करके ऐसे ही ये करते रहें और हमारे माननीय मेरे दोस्त गणपत जी जो कि बहुत बड़े एक समाज सेवी हैं, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए, ये हमारे आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे गणपत भाई दोस्त मेरा नाम मनोज तिवारी है, मैं डायरेक्टर हूँ, 2-3 फिल्में बना चुका हूँ। मेरी अभी एक फिल्म आ रही है फंसे प्यार फंसे फरार 18 अक्टूबर को, और ये मेरे को एक्टर हैं, मेरे स्टार हैं भावेश कुमार जी और शिवानी जी ने बहुत अच्छा रोल उसमें किया हुआ है, स्मिता सिंह जी ने, और डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया था और थोड़ी सी जानकारी थी इसके बारे में, क्योंकि मैं रिसर्च करते रहता हूँ उनके बारे में सारी चीज़ें, जिस तरीके के काम करते हैं, तो उनका बुलाना नहीं, हम लोग अपने तरीके से आएँ, अपने टाइम निकाल के आएँ कि यहाँ पे जाना जरूरी है, कि जो ये काम कर रहे हैं इसमें मेरा भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, हमारी टीम का भी सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी हिम्मत की नहीं होती इस तरीके से, गट्स होता नहीं ऐसे काम करने के लिए जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। फ्री में इतने सारे इतने करोड़ों लोगों का इलाज करना, दाद देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बहुत अच्छा, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, ऐसे ही आप काम करते रहे। और रेशमा जी का जन्मदिन भी है। जी, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन की, आप ऐसे जुड़े रहें और इस तरीके से काम करते रहें और भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दें, क्योंकि सोच बहुत अच्छी है। और मैंने जो फिल्म बनाई है वो भी एक सोच बदलने के लिए बनाई है, कैसे प्यार कैसे भरा, प्यार के लिए हमें कैसे लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है, कि जब लड़के लड़की प्यार करते हैं तो समाज अगेंस्ट क्यों हो जाता है। तो जिस सोच को ये लोग आगे लेके जा रहे हैं उसी सोच के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। ये हिंदी सिनेमा के सबसे हाइट वाले स्टार हैं अभी तक के, और कम एज में इनकी एज अभी सिर्फ 18 साल है। अपने बारे में आप बताइए। हाय, मेरा नाम है भवेश कुमार और मेरी फिल्म आ रही है पर्से प्यार पर्से प्यार 18 अक्टूबर को, और आज मैं यहाँ प्रोग्राम में आ रहा हूँ स्वस्थ जिंदगी आप सभी, और जो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और जो यहाँ देख के मुझे एनर्जी आ रही है कि लोगों को कैसे इलाज किया जा रहा है, मदद की जा रही है इतने लोगों की, तो इसमें इसके इसके साथ जुड़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बधाई देना चाहूँगा मैम को उनके बर्थडे के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। नाम से तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि इसमें लड़का लड़की प्यार करते हैं फरार हो जाते हैं, पर ये एक सिंपल एक लव स्टोरी नहीं है, ये पूरी एक लड़का लड़की की जर्नी है कि अगर वो प्यार करते हैं तो कितनी डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती है, उनकी फैमिली को कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें उसका नाम है सूरज मालिक सोनू, जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जो कि मैं असली रियल लाइफ में भी हूँ, और ये उसी के ऊपर पूरी कहानी है कि कैसे कास्टिज्म ऑनर की काफ़ी उसी रियल कॉन्सेप्ट पे ही है, रियल बेस्ड टू इवेंट्स पे स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी लगी। पहले क्या होता था कि प्यार करने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, लड़की को लड़के के प्रति प्यार करने के लिए और लड़के को लड़की के लिए, क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा होती थी और प्रेम, क्योंकि लड़का जब उम्र जुटाता था लड़की तक बोलने के लिए उसमें 3-4 महीने लग जाते थे, प्रेम पत्र लिखता था, लड़की तक पहुंचता था, तब तक उसकी शादी हो जाती थी किसी और की हो जाती। और आज के डेट में सोशल मीडिया होने की वजह से लड़का लड़की बहुत जल्दी करीब आ जाते, लेकिन पेरेंट्स की, परिवार की, समाज की सोच वैसे ही है। इस चीज़ों में तो हम आगे बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया की सारी चीज़ों में, इस सोच नहीं बदली, तो आज की डेट में सोच बदलने की जरूरत है। Thank you.
जो डॉक्टर साहब की सोच है काश कुछ परसेंटेज लोग और हो जाने की तरह, तो काफ़ी बदलाव आएगा हिंदुस्तान के अंदर। जो डॉक्टर साहब जैसे लोग आ जाएँ जो अपने स्वास्थ्य में दुनिया के बारे में सोचते हैं कि वो कैसे स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच मैडम, कुछ बोलेंगे हमारी इसके बारे में। इसके पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि बर्थडे पे इंटरटेनमेंट का भी पर्दा लगेगा, तो यही लग गया था क्या कुछ है मेरे एंटायर टीम को क्या शुभकामनाएं। ओके सो हाय, आई एम स्मिता सिंह एंड आई एम प्लेइंग लक्ष्मी इन दिस। जो जानवी की माँ है वो मेरी सास है और ये मेरा अगर होता तो दमाद होता। सो ये जैसे आजकल द मिलेनियल टाइम्स चल रहा है कि आप प्राउड फील करते हैं कि चंद्रयान ऊपर गया, लेकिन आपने ये किसी से नहीं पूछा कि साइंटिस्ट की जात क्या थी, क्या कास्ट क्रीड कम्युनिटी थी। आपने सिर्फ ये अप्रिशिएट किया कि वो उस अहदे पर थे, उस पोस्ट पोजिशन पे थे। उसी तरह इस शो का, इस मूवी का मैसेज है कि एक लड़का जो नेशनल लेवल का चैंपियन बन सकता है, उसको सिर्फ आगे जाने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि कास्टिज्म के बैरियर हैं। तो आजकल की मिलेनियल जनरेशन जो है वो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती, तो ये एक्सक्लूसिवली उनके लिए है कि आप देखिए एंड यू हेल्प अस कि पुराने जो सोच के लोग हैं जो गलत है, हमें तरक्की के लिए सोचना है, हमें पुरानी चीज़ों के लिए नहीं सोचना है जो कि बेबुनियाद है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। सो आगे प्रोग्रेस करें, अच्छा हो और हर जो डिजर्विंग बंदा है उसको आगे मिलने का, बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज ऑफ आवर मूवी। सो प्लीज़ वॉच पी से प्यार एफ से फरार एंड यस यू गाइस आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। सो अगेन नाइस थिंग्स, सी हमारा देश डेवलप कर रहा है अच्छी चीज़।